सर समझ में तो सब कुछ आ रहा है, इंग्लिश में आप लिख रहे हैं। तो मैंने सोचा कि अब रियल कॉन्सेप्ट, एक्चुअली बहुत दिनों से मैं बताऊँ तो हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, बायलिंगुअल क्लासेस चल रही हैं, तो किसी काम को मैं खुद नहीं करता हूँ ना, तब तक मुझे भरोसा नहीं होता है। लगभग 1.5 साल पहले यूट्यूब पे मैं आया था, ऑफलाइन मेरी क्लासेस चलती थी, तो मैंने ये देखा कि IERT और पॉलिटेक्निक के लिए, ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं आगे। और अभी बहुत सारे काम है, बहुत सारे वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं और बहुत सारा काम काम है यार, क्योंकि अकेले यार काम करता हूँ बहुत सारे लोग। साइड, वेलकम बैक टू चैनल रियल कॉन्सेप्ट। कैसे हैं आप लोग और आप लोगों की प्रिपरेशन कैसी चल रही है, आप लोग बताएंगे कमेंट करके। UP पॉलिटेक्निक, बिहार पॉलिटेक्निक, झारखंड पॉलिटेक्निक, MP पॉलिटेक्निक, दिल्ली पॉलिटेक्निक, इवन दैट IRT के बच्चे हमारे चैनल पे, यानी आपके चैनल पे बहुत ज़्यादा बच्चे हैं, तो आप लोगों की प्रिपरेशन कैसी चल रही है ज़रूर बताएंगे कमेंट करके। और आज मैं आपसे थोड़ी सी बातचीत करूँगा कि आज से कुछ सालों पहले मैंने यूट्यूब की जर्नी स्टार्ट करी थी, कैसे क्या चीज़ें हुई उसके बारे में थोड़ा सा मैं डिस्कस करूँगा, और क्या क्या रिवोल्यूशन हम लोग लाने के लिए तैयार हो रहे हैं, ठीक है, तो उसी के बारे में बातचीत करने वाले हैं। आज मुझे वो दिन भी याद आ रहा है कि जब लगभग 1.5 साल पहले यूट्यूब पे मैं आया था, ऑफलाइन मेरी क्लासेस चलती थी, तो मैंने ये देखा कि IERT और पॉलिटेक्निक के लिए स्पेशल एक भी चैनल इंग्लिश में नहीं था। मैं सच बता रहा हूँ, आप विश्वास मानना, और आज भी जाकर के चेक करेंगे तो पूरे यूट्यूब पे स्पेशल IERT और पॉलिटेक्निक के लिए इंग्लिश में चैनल आपको नहीं मिलेंगे। तो मेरे पास इतने कमेंट्स और मैसेज आते थे, क्योंकि मैं पहले एकेडमिक पढ़ाता था, तो बहुत मैसेज आया मेरे पास कि सर पॉलिटेक्निक क्लास स्टार्ट करें इंग्लिश में। तो हमने पढ़ाया लॉकडाउन में, और सच बता रहा हूँ कि इतना मज़ा आया पढ़ा करके, इतना मज़ा आया पढ़ा करके कि 95% से ज़्यादा बच्चों को गवर्नमेंट कॉलेज मिला था। फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने यूट्यूब पर पढ़ाया था, ठीक है, और आज भी पढ़ाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आज इंडिया के कोने कोने से, आप किसी भी स्टेट की बात कर लो, किसी भी जिले की बात करो, डिस्ट्रिक्ट की बात करो, हर जगह से बच्चे हमारे यहाँ पढ़ाई करते हैं। तो बड़ा अच्छा लगा कि आज जो मेरे पास कंटेंट है आज मैं सबको दे रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं ऑफलाइन केवल पढ़ा रहा होता तो मुझे लगता है कि आज 10, 20, 50, 100, 500, 1000 लोगों को पढ़ा पाता, लेकिन आज 3-4 लाख की व्यूअरशिप है, बहुत सारे बच्चों ने हमें ज्वाइन किया है, पेड क्लास में है, फ्री में क्लासेज कर रहे हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है कि एक समय ऐसा था कि हमने स्टार्ट किया था कि 2-2, 3-3, 4-4, 10-10 व्यू आते थे, और मैं फिर भी काम करते गया, लोगों का प्यार मिलते गया, कंसेप्ट अच्छा लगा बच्चों को, तो बच्चों ने हमें ज्वाइन किया। और आज कहीं कहीं आपको बताएं तो बड़ा अच्छा लगता है कि जो बच्चे चाहते हैं, जैसा कंटेंट बच्चे चाहते हैं, वैसा कंटेंट हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। और तो मैं था वहाँ पे, कहाँ पे, हाँ इंग्लिश वाली चीज़ पे मैं था, कि इंग्लिश में सारी चीज़ें नहीं मिल पा रही थी, तो हमने शुरू किया इंग्लिश में पढ़ाना, और बच्चों को बेनिफिट भी मिला, और ये दूसरा साल है। और मैं सच बता रहा हूँ कि हिंदी वाले बच्चे परेशान, सर समझ में तो सब कुछ आ रहा है, इंग्लिश में आप लिख रहे हैं। तो मैंने सोचा कि अब रियल कॉन्सेप्ट, एक्चुअली बहुत दिनों से मैं बताऊँ तो हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, बायलिंगुअल क्लासेस चल रही हैं हिंदी इंग्लिश दोनों में, तो मैं और भी ज़्यादा मेहनत खुद पर कर रहा हूँ, मैं अपने ऊपर बहुत ज़्यादा सेल्फ कह सकते हैं ना कि हार्डवर्क कर रहा हूँ मैं, कि जो भी कंटेंट मैं इंग्लिश में देता हूँ आज हिंदी इंग्लिश दोनों में दूँ मैं आज, क्योंकि एक टीचर बेसिकली देखा जाए तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में कंटेंट बहुत ही मुश्किल से प्रोवाइड करता है, क्योंकि उसको खुद पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, इंग्लिश में ये है तो हिंदी में क्या होगा। बट मैं आपको बताऊं, मैं खुद आज हार्ड वर्क करता हूं और हिंदी इंग्लिश दोनों में आज पढ़ा रहा हूं बच्चों को, क्योंकि डिमांड बहुत है, ठीक है, जिस चीज़ का डिमांड है तो हमें सप्लाई भी करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी एक जिम्मेदारी बनती है। तो हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए भी खुशखबरी है कि जो भी कंटेंट आप इंग्लिश में देख रहे थे अब हिंदी में भी मिल रहा है आपको, और क्लासेज लाइव चल रही हैं और सारी चीज़ें आपको हिंदी में भी मिल रही हैं, कोई डाउट नहीं होगा आपको। और दूसरी चीज़ की मैंने बोला था ना कि यूट्यूब पे कुछ गर्दा मचाना है, कुछ रिवॉल्यूशन लाना है। आप ऑफलाइन क्लासेज करने जाएंगे 10,000-15,000 मिनिमम IRT की फ़ीस होती है, पॉलिटेक्निक की फ़ीस होती है, लेकिन हम लोग यहाँ पे सिर्फ बहुत ही कम कॉस्ट में, ठीक है, बहुत ही मिनिमम कॉस्ट में, जहाँ तक मुझे लगता है कि आपको पता भी होगा, सिर्फ 1100 रुपये में, कितने में, सिर्फ 1100 रुपये में पूरा कंप्लीट कंटेंट हम दे रहे हैं, ठीक है, रिकॉर्डेड वीडियो के फॉर्म में, लाइव लेक्चर्स के फॉर्म में, PDF हिंदी इंग्लिश में, यानी पूरा कंप्लीट पैकेज हम आपको 1100 में दे रहे हैं। और ये 1100 क्या है, हमारा वाईफाई का खर्चा है, जो टीचर्स हमारे यहाँ पढ़ाएंगे उनका खर्चा है, टाइपिस्ट बैठा हुआ उसका खर्चा है, लाइटिंग का खर्चा है, कैमरे का खर्चा है, वो सारी खर्चा है, यानी कि आपका एक छोटा सा सहयोग है। और मैं सच बता रहा हूँ कि ये छोटा छोटा सहयोग मिलता है ना तो एक बड़ा सा रिवेन्यू जनरेट होता है,
रिवेन्यू जनरेट होने का मतलब क्या, जितना भी इनकम जनरेट होगा वो आप लोगों में ही लगाया जाता है। लाइटिंग थोड़ा बोर्ड पे लाइटिंग सही नहीं आती, लाइटिंग हमने सही कर दिया, कैमरा और अच्छा हमने ले लिया, ठीक है, तो और कुछ काम कर लिया हमने, मतलब पैसा आएगा तो मैं बता रहा हूँ। ये सारी चीज़ें हम लोगों को करना है ताकि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट अच्छी तरीके से मिल पाए। और मैं ये चाहता भी हूँ कि जब भी मैं यूट्यूब पर पढ़ाऊँ, ऑफलाइन तो ऐसे पढ़ाता ही हूँ, तो जितना मेरे पास नॉलेज है वो मैं सारे बच्चों को दे दूँ, कि आने वाले समय में अगर बच्चा अगर नौकरी नहीं कर पाता, नौकरी नहीं मिल पाती है, तो आने वाले समय में बच्चा क्या कर सके, उसी कंटेंट को दोबारा पढ़ा सके, मास्टर बन जाए उस सब्जेक्ट में, जो सब्जेक्ट मैं पढ़ा रहा हूँ पर्सनली, तो ये मेरा मानना होता है, ठीक है। और बाकी के मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, बाकी का आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि हिंदी इंग्लिश दोनों में कंटेंट यहाँ पर मिल रही है, और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी हमने दे दिया है, ऐप को डाउनलोड करेंगे आप और सिर्फ 1100 में, आपका ये सहयोग है, ठीक है, सिर्फ 1100 में पूरा कंप्लीट पैकेज हम आपको देने वाले हैं। कोई दिक्कत आती है, व्हाट्सअप नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप हमसे कांटेक्ट करेंगे, आपकी पूरी मदद की जाएगी, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं आगे, और चलिए फिर बाय बाय। और अभी बहुत सारे काम है, बहुत सारे वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं और बहुत सारा काम धाम है यार, क्योंकि अकेले यार काम करता हूँ, बहुत सारे लोग मेरे पास हैं, जब तक यार किसी काम को मैं खुद नहीं करता हूँ तब तक मुझे भरोसा नहीं होता है, तो मैं अधिकतर काम मैं खुद करता हूँ, वीडियो एडिटिंग की बात करूँ मैं खुद ही कर लेता हूँ, ऐप मैनेजमेंट मैं पूरा देख लेता हूँ, हाँ कॉल के लिए मैंने एक लोगों को रखा है, मैं खुद ही कॉल उठाता हूँ, बहुत ज़्यादा आपसे बातचीत होती है, लेकिन मैं जब तक मैं खुद काम होना कर लेता हूँ ना, फिर मज़ा नहीं आता है। तो चलिए कुछ काम करते हैं, फिर मिलते हैं।